अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। तो सब अगर आपको याद हो कि पिछले वीक इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस चैप्टर में एक नई बात छेड़ी थी, वो ये था कि उन्हें फरमाया था कि एक मुसलमान जो है वो धीरे धीरे काफिर हो जाता है अगर उसमें चार सिफात जो हैं वो रासिख हो जाएँ, चार क्वालिटी जो हैं जो ईविल क्वालिटीज़ हैं जिसमें कहते हैं औसाफ़ रज़ीला जिसको कहते हैं, अगर ये इंसान में रासिख हो जाएँ और इससे छुटकारा ना पाए तो उसका फिर उसकी मौत फिर कुफ्र पे होती है। और इसमें ख़तरनाक बात यह कि आदमी ये समझता है कि वो कलमा तौहीद पर है, लेकिन चूंकि ये बातें ऐसी हैं कि जो कलमा तौहीद के अकीदे के मुखालिफ हैं तो वो आदमी कुफ्र पे फिर उसकी मौत होती है। और मेरे ख़्याल से शायद यही बात है कि बहुत से मुसलमान जो हैं वो कलमा तौहीद पढ़ने की तौफीक नहीं हो पाती है मरते वक्त, अगरचे वो बज़ाहिर ला इलाहा इल्ला मुहम्मद रसूलल्लाह कहते रहे ज़िंदगी भर लेकिन मौत तौहीद पर नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि उनका जो जो अफ़ाल थे आमाल थे वो मुखालिफ थे तौहीद के। तो ये चार चीज़ें जो हैं ये मुखालिफ हैं तौहीद के, इसलिए इब्न कय्यिम कह रहे हैं कि भाई इसको आप समझो। तो चार जो थिंग अगर आपको याद होगा, पहली चीज़ सबसे जो बड़ी है वो है तकब्बुर, और दूसरा जो है वो हसद, और तीसरा जो है गुस्से पे काबू ना पाना, और फिर आपको चौथा तो मालूम है शहवत, शहवत परस्ती। तो इनफैक्ट शहवत परस्ती ही काफ़ी है कुफ्र के लिए, क्योंकि शहवत परस्ती मुझे अल्लाह ने फरमाया ना फ़राई था मुझे तखादा इलाहु हवा, अल्लाह ताला ने कहा कि क्या तुमने देखा नहीं उस ऐसे आदमी को जिसने अपने नफ्स को डिज़ायर्स को शहवत को खुदा बना रखा है। तो वही काफ़ी है, यहाँ भी अल्लाह ने बता दिया कि भाई ये तो उसने खुदा बना रखा अपने शहवत। तो ये चार चीज़ें हैं, इसको इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि ये बहुत ही सीरियस हैं। तो थोड़ी सी चीज़ हम लोगों ने पिछले वीक की थी, बाकी इंशाल्लाह आज कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अब ये हो गया। अच्छा, तो पहली चीज़ उन्हें कहा, हम पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते फिर आगे चलेंगे। तो उन्हें क्या फरमाया कि देखो किब्र में तकब्बुर में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है, सबसे बड़ा जो ख़तरा होता है तकब्बुर में या नुकसान होता है तकब्बुर का, वो ये कि यम नाहू अल इनकियाद, वो आपको अल्लाह के आगे झुकने से रोकता है, अल्लाह के अहकाम को सामने झुकने, जैसे भी आप नासिर भाई कहते सूद के मुतालिक। तो तकब्बुर है जो इंसान को ये समझाता है कि सूद जो है बगैर उसके ज़िंदगी में कामयाबी नहीं हो सकती। तो एक्चुअली ये तकब्बुर है कि आई नो एवरीथिंग। कुरान शरीफ के इसको एक तरफ है, हदीस एक तरफ है, और आपका नफ्स एक तरफ है, और आपका तकब्बुर है कि ये मौलवियों को कहने दो कुरान को कहने दो, ये सब होने वाला, ये असल में अंदर का तकब्बुर है, समझा। तो ये तकब्बुर अल्लाह के आगे आपको झुकने से माने रखता है, आपको रोकता है। तो ये तो अल्लाह ताला से, फिर आपका तकब्बुर जो इंसानों के साथ होता है उसमें भी यही हाल है। फिर दूसरी जगह आई है हसद, हसद। अच्छा, हसद की डेफिनेशन आपको शायद मालूम ही होगी, वो ये है कि हसद वो चीज़ है कि आप किसी चीज़ कोई नेमत जो है कोई नेमत किसी के ऊपर देखें और ये जलन हो जाए कि ये इसको क्यों मिली, ये हमको क्यों नहीं मिली। तो एक फीलिंग तो ये हुई कि इसको क्यों मिली हमको क्यों मिली। दूसरी से जो 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 दूसरा दूसरी फीलिंग वो है वो ये है कि इसके पास ये छिन जाए और हमको मिल जाए, ये नेमत इसके पास छिन जाए हमको मिल जाए, चाहे पैसा हो दौलत हो इज्जत हो कुछ भी हो, ये होता है हसद। अच्छा, एक कस्म की हसद जो है जो जायज़ हसद है वो ये कि किसी पर आप नेमत देखें
और आप उससे खुश हों और आप कहें जैसे इसको नेमत मिली है अल्लाह ताला ऐसी हमको भी मिल जाए, ये नहीं कि इससे छिन जाए बल्कि ऐसी हमको भी मिल जाए। फिर कोई आदमी हाफिज़ कुरान है, कुरान शरीफ अच्छा पढ़ता है, आप कहें यार अल्लाह ताला जैसे इसको कुरान शरीफ से आपने नवाजा है ऐसे हमको भी नवाज दे, तो अच्छी बात है। तो हसद जो हराम है वो ये है कि आप ये कहेंगे नहीं इसको क्यों मिली और इससे छिन जाए, ये महरूम हो जाए और वो हमको मिल जाए, तो ये हसद। तो कहते हैं हसद का ये होता है कि यमनाहु कबूल नसीहा व बदलिहा। हसद में एक हसद का नतीजा ये होता है कि आप नसीहत कबूल नहीं करते हैं, अल्लाह रसूल की नसीहत से आप आपको अट्रैक्शन नहीं होता, क्योंकि आप अल्लाह के जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेमत, इससे आप खुश नहीं हैं। तो अगर आप अल्लाह से खुश नहीं हैं तो अल्लाह की आप सुनेंगे ही नहीं, आप कहेंगे अल्लाह हमको नहीं सुननी, आपने उसको इतना दे दिया हमको नहीं दिया, अब आप नसीहत नहीं सुनेंगे, समझे आप अल्लाह रसूल के। तो ये हसद का होता है। और गज़ब का क्या है साहब, गुस्से का, यमनाउल अदल, आपको अदल और इंसाफ करने से रोकता है। गुस्सा जो है साहब वो आपको अदल और इंसाफ करने से रोकता है, चाहे अपने बेगम के साथ हो, बच्चों के साथ हो, बाहर हो, तो ये इसीलिए गुस्सा आमतौर पर अच्छी चीज़ नहीं है साहब। चौथी चीज़ है शहवत। शहवत परस्ती का ये हो कि तम नाउ तफर्रु लिल इबादा, शहवत के साथ, शहवत परस्ती के साथ इबादत नहीं हो पाती, या शहवत परस्ती कर लें आप या इबादत कर लें। अब मिसाल के तौर पर कोई आदमी रात भर शहवत परस्ती करते रहे तो सुबह उसको फजर की तौफीक ही नहीं होगी कि तुम अगर फजर ने दो रकात टक्करें मार भी ली फजर की तो वो कबूल ही नहीं होगी, क्योंकि पहले तो आपको गुनाहों से रुकना है फिर इबादत करनी है, समझे आप। इसका ख्याल रखिएगा साहब, असल है हत्तल इम्कान गुनाहों से बचना, उसके बाद इबादत की बात आती है साहब। तो इसलिए खैर, अब यहाँ से इब्न कईम कहते हैं फ़ैदन हदमा रुकनुल किब्र सहल अलैहि इनकियाद, जब आदमी अपने अंदर से तकब्बुर निकालना शुरू करेगा, उस पर मेहनत करेगा, तो खुद ब खुद अल्लाह के आगे झुकना नसीब हो जाएगा। जैसे जितना किब्र जाएगा उतना जो है ना अल्लाह के आगे आप खुद ब खुद झुकेंगे। और फिर फरमाया कि वइदन हदमा रुकनुल हसद, और जितना जितना हसद आपके अंदर से कम होना शुरू होगा, सहल अलैहि कबूल नसीब, उतना उतना अल्लाह रसूल की बात आपके समझ में आने लगेगी, उसको कबूल करना उतना आसान होने लगेगा। और वइदन हदमा रुकनुल गज़ब सहल अलैहि अदल व तवाज़ु, और जितना जितना गज़ब यानी गुस्सा, गुस्से पे कंट्रोल आपको आता जाएगा, उतना उतना अदल और तवाज़ु आप में आती जाएगी, उतना उतना आप इंसाफ करने लेंगे, जस्टिस करने लेंगे लोगों के साथ, और ह्यूमिलिटी आएगी। अब आइए साहब आखिरी चीज़, इस वक्त पूरी दुनिया में शहवत परस्ती का राज है, हुकूमत पूरी दुनिया में एक की है, चाहे आप ईस्टर्न मुल्कों से हो, चाहे वेस्टर्न हो, चाहे अफ्रीकन हो, चाहे कहीं से हो, वो है शहवत परस्ती। अब ये कह रहे हैं वइदन हदमा रुकनु शहवत, और जब शहवत परस्ती की जो सिफत है वो कमज़ोर होनी शुरू होगी आपके दिल में, तो क्या होगा, सहल अली सब्र, आपको अपने पर खुद ब खुद कंट्रोल आता जाएगा, कंट्रोल आपको अपने पर आता जाएगा, और उससे क्या होगा, इफाफ, पाक दामनी आने लगेगी, ज़िंदगी में पाकी आने लगेगी। और आखिरी चीज़ है फिर खुद ब खुद इबादत की तरफ दिल मायल होगा, खुद ब खुद इबादत की तरफ दिल मायल होगा। अच्छा, लेकिन इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने एक बात लिखी है साहब, इसको आप सोचिए, कहते हैं वज़वालुल जिबाल अन अमाकिनिहा ऐसर, कह लेंगे पहाड़ों को अपनी जगह से हिलाना ये आसान है, पहाड़ों को अपनी जगह से हिलाना आसान है, मिन जवाल हादिर अरबा अमन उबतलिया बिहा, जिस बंदे में ये सिफात है ना, तो ये समझ ले इन सिफात को निकालना उससे ज़्यादा मुश्किल है।
अगर आप में सिफात हैं तो अब इन सिफात को निकालना ज़्यादा मुश्किल है, पहाड़ों को अपनी जगह से हटाना आसान है। तो इसलिए कह रहे हैं, ये मत समझना कि हम तो पाक हैं, हम में तो ये नहीं है। नहीं, किसी दर्जे में शायद आप में है, किसी को देखकर अगर आप हसद आ रही है तो साहब ये है। फिर कहते हैं कि कहने वलासी मदासाद हयातुन रासिका, कहने जब ये आदतें और ये सिफात बड़ी पुरानी हो चुकी हैं, बचपने से ये पकती रहीं, अब बहुत रासिख हो गई आप में, यू नो। तो कहें जितनी रासिख हो गई हैं, पुरानी हो चुकी है ना ये, तो कहते हैं फ़इन्नहु ला यस्तकीमु लहू माहु अमल अलबत्ता। अब देखिए ये बात हमेशा याद रखिए जो इब्ने क़य्यिम कह रहे हैं, कि सारा खुलासा था भी ये कहते हैं कि समझ लो कि इन ईविल क्वालिटीज़ के साथ, ईविल सिफात के साथ तुम्हारा कोई अमल अल्लाह के नज़दीक कबूल नहीं है, क्योंकि इतने गंदे हो, इस गंदगी के साथ अल्लाह ताला कोई अमल कबूल नहीं करता, क्योंकि अल्लाह इन अल्लाह तय्यिब ला यक़बुलु अल्लाह तय्यिबन, अल्लाह तो पाक है, अल्लाह ताला सिर्फ पाक चीज़ों को कबूल करता है। अब कोई आदमी जिसमें वह संडास, जिसको नहीं कहते हैं हिंदी में, कि बिल्कुल बैतुलखला बना हुआ है उसका दिल, उसमें हसद भी है, कीना भी है, बोझ भी है, और शहवत भी है, और सब ये सब कुछ तो है, तो बदबूदार है। अब वो कहे अल्लाहु अकबर, आप समझ, तो अल्लाह कहते नहीं, पहले दिल साफ करो फिर अल्लाहु अकबर कहो। अब इसलिए वो कह रहे हैं कि फ़ैन्नहु ला यस्तकीम, अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया इन, वो आयत है कौन सी आयत है जहाँ पे अल्लाह ताला सिर्फ मुत्तकियों से उनकी इबादत कबूल करेगा, क्या आयत है वो, इन्नल्लाह ला तकब्बल मुत्तकब्बिल, याद नहीं आ रही वो आयत, कि अल्लाह ने फरमाया कि सिर्फ जो साहिब तकवा लोग हैं उनके आमाल कबूल होंगे। इन्नमा ये तकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, यहाँ पे देखिए अल्लाह ने फरमाया इन्नमा, हसर है, हसर मतलब अल्लाह ताला ने कहा सिर्फ ये तकब्बलुल्लाह, अल्लाह कबूल करता है मिनल मुत्तकीन, मुत्तकियों के अमाल कबूल करेगा, बाकी को ऐसी फेंक देगा। तो अगर ये तकब्बुर, हसद, गज़ब, शहवत परस्ती, अगर ये सिफात हैं तो इसके साथ तकवा तो मुहाल है, आप फिर तकवा हो नहीं सकता बिल्कुल। तो इसी कहने फ़इन्नहु ला यस्तकीम, कहेंगे तो इन खबीस सिफात के साथ कोई भी अमल करो, कहीं भी करो, हरमैन शरीफ़ैन में करो, मस्जिद अक्सा में करो, अपनी लोकल मोहल्ले की मस्जिद में करो, ये कोई भी अमल अलबत्ता मतलब कतई कबूल नहीं हो सकता। इसीलिए साहब तसव्वुफ़ की जान ये है कि इसको कहते हैं तस्किया नफ्स, लोग नमाज पढ़ते रहते हैं लेकिन ये जो सिफात हैं इन पे काम नहीं करते, ये बढ़ती रहती, इसीलिए वो जो इबादात है ना वो काबिल कबूल अल्लाह की नज़र में नहीं है, क्योंकि ये सिफात जो खबीस सिफात हैं ये तो, और आपके यहाँ आप जी जी नहीं, वो तो जो गुनाह हो गए, देखिए इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, सय्यात मतलब जो आपसे गुनाह हो गए, जो आपके से गुनाह हो गए ना माजी में, आप जितने अच्छे अमाल करेंगे वो उसमें हो जाएंगे। लेकिन दूसरी बात ये है यहाँ पर कि इससे वो सिफात नहीं है, सिफात को तो आपको ख़ुद सफाई करनी है। अब दूसरी बात अपना हबीब भाई ये है, हसनात कोई भी अमल हसनात तब बनेगा जब कबूलियत होगी, वरना अमल कोई भी अमल हसन नहीं है, कबूल हो जाए तो हसन है, अगर कबूल नहीं हुआ तो हसनात नहीं है। फिर आपने नमाज पढ़ी कबूल ही नहीं हुई, जब वो कबूल नहीं हुई तो हसनात थोड़ी क्या हुई, हसनात तो तब है जब आप कोई अमल करें, हज करने जाएं
कबूल ही ना हो, तो वो हसनात ही नहीं हुआ। अल्लाह का नहीं, तुमने ये दूसरे के पैसे मार के आए हो, हम कहते हैं कबूल कर लें। तुम्हारे रिश्वत के पैसे हैं, सूद के पैसे हैं, गसब के पैसे हैं, तो हम कैसे कबूल कर लें? अब आप कहें ये जो हसनात हो गया मेरा, अल्लाह का नहीं, वो जब कबूल होगा तब हसनात होगा। तो इसलिए कबूलियत, हाँ आपका अमल कबूल हो जाए तो इंशाल्लाह फिर आपके जो गुनाह हैं उसकी वजह से माफ़ होंगे। इस वजह से यहाँ पर कहने के फ़ैन्नहु ला यस्तकीमु लहा लहू माहा अमल अलबत्ता, कि इस इन खबीस सिफात के साथ कोई आदमी कोई भी अच्छा अमल करे, इब्ने क़य्यिम कह रहे हैं कि तुम इस बात को लिख लो वो कबूल नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला का जो मियार है कबूलियत का वो इन गंदगियों के साथ नहीं होगा साहब, सफाई करनी पड़ेगी। वला तस्कु नफ्सहु मा क़ियामिहा महा, और कोई आदमी अपने आप अपनी सफाई नहीं कर सकता जब तक इन खबीस सिफात से बिल्कुलिया साफ ना हो। कहना वकुल्लमश तहादा फिल अमल अफसदत हु अली हादिर अरबा, तो एक आदमी जितनी कोशिश करे इबादात में, लेकिन ये जो चार खबीस सिफात हैं ये उसके हर अमल को फासद कर देंगे। कहना अच्छा फिर वकुल्लुल आफात मुतवल्लदा मिन्हा, और जितनी आफतें हैं ना ये सब इन्हीं चार सिफात से पैदा होती हैं। दुनिया में जितने लड़ाई झगड़ा कत्ल गारतगरी है जो कुछ भी है वो इन्हीं सिफात की वजह से हैं। वो कहते हैं कि अच्छा वज़ तहकमत फिलकल अरतुल बात, कहने फिर एक बात और ये कि जब ये खबीस सिफात हर दिल में रासिख हो जाती हैं, अब एक बचपने से काम ही नहीं हुआ, दिल के ऊपर काम नहीं हुआ, अब ये खबीस सिफात इतनी रासिख हो गई हैं कि अब क्या हुआ है, एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि नाऊज़ बिल्ला अरतुल बातिल फी सूरतिल हक, कि ये सिफात इतनी आपके दिल में नाऊज़ बिल्ला रासिख और मुस्तहकम हो चुकी हैं, मजबूत हो चुकी हैं, अब आपके बाती समझ में नहीं आएगी, आपको बातिल जो है ना वो हक नज़र आएगा, बातिल जो है वो हक नज़र आएगा, और वल हक फी सूरतिल बातिल, और हक आपको जो है बातिल की सूरत में नजर आएगा। अब समझे, क्योंकि आप शहवत परस्ती को आप देखिए, ये क्या वजह है कि मुसलमान इस वक्त कौम लूत के अफ़ाल में सर फहरिस्त नजर आ रहे हैं? भाई कोई तो बात है, मतलब आप देखिए कि अब हिंदुस्तान में एक मूवी बनी है, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं देखी, किस लिए, क्योंकि इसका मैंने जो तबसरा एक अखबार में पढ़ा और एक जगह यूट्यूब पर डिस्कशन भी सुना, उसका नाम है अलीगढ़, उस फिल्म का नाम है अलीगढ़, मैंने सुना है, उस पर होमोसेक्सुअलिटी को एक नेचुरल फिनोमेना बना के दिखाया गया है। अब अलीगढ़ में कौन है, ज़्यादा मुसलमान पढ़ते हैं अलीगढ़ जो भी है, तो जो लवातत के या होमोसेक्सुअलिटी के जो इमाम है नाऊज़ बिल्लाह इस वक्त, वो मुसलमान ही है। मैं तारीख इंडिया में पढ़ रहा था कि ये हम भी उसी माशरे में से आए हैं, उस ज़माने में तो भाई ऐसे बात सुनी नहीं थी, देखना तो अलग, सुनी नहीं थी, तो मालूम ये हुआ कि ये शुरू ही मुसलमानों ने किया था, एक नास फाउंडेशन करके बनाया, और उसके बानी मुसलमान। तो बात यह है कि ये इतनी बातें रासिख हो चुकी हैं, ये सिफात इतनी, कि एक वक्त ऐसा आ गया है कि अब सही बात आपको गलत लगती है और गलत बात आपको सही लगेगी। इस पर मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि जो दसवीं पायत की आयत है, इस पर अल्लाह ने फरमाया कि कसरत गुनाह की वजह से तुम्हारी फितरत मस्ख हो जाएगी, और फिर एक वक्त आएगा कि तुमको सफ़ेद काला दिखेगा, काला सफ़ेद दिखेगा। वो आयत है दसवें पारे में कि वहीं यरव कुल आयत ला युमिनु बिहा, वहीं यरव सबील रुश्द ला यत्तखिदु सबीला, और वहीं यरव सबील गई यत्तखिदु सबीला, ज़ालिका बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना वकानू अन्हा गाफिलीन।
तो लगा कसरत गुनाह की वजह से एक वक्त ऐसा आएगा कि जब तुम सीधा रास्ता देखोगे तो तुम्हारा दिल ही नहीं चाहेगा कि हम इस सीधे रास्ते को अपनाएं, लेकिन जब क्रुकेड रास्ता देखोगे तो खुद ब खुद तबीयत मायल होगी कि हाँ ये सही है। अल्लाह मैं जाल के भी अन्नम कर दबू, ये इस वजह से हो रहा है कि तुमने एक जिंदगी गुजार दी अल्लाह रसूल की बातों को झुटलाते हुए। वकानू अनहा गाफिलीन, और तुम लोग बिल्कुल गफलत वाली जिंदगी गुजार रहे थे। अब फितरत ही मश हो चुकी है आपकी। अब आपको मैं अक्सर सोचता हूँ, मिसाल के तौर पे मस्जिद हमारी माशाल्लाह बड़ी आबाद रहती है, फिर भी इससे 10 गुना आबाद और रह सकती है, लोग नहीं आते। सिर्फ अब हमारा पॉपका वायलेंट के ऊपर कितने मुसलमान हैं, हजारा हैं, नहीं आते, आते ही नहीं। ये तो चलो कोरोना वायरस का बहाना है, लेकिन उसके अलावा भी नहीं आते थे, इससे पहले भी नहीं आते थे। अब एक जिंदगी गुजर गई साहब इसी पे, मस्जिद ना आते हुए। हाँ, जनाजा उनका लाया जाएगा, खुद नहीं आएंगे। तो अब उनसे कहिए भी तो ऐसा लगता है कि भैंस के आगे बीन बना बजा रहे हैं आप। तो ये है वकानू अनहा गाफिलीन, कि ये लोग बिल्कुल एक मुद्दत गुजर गई कि साहब वो नहीं होता है सर। तो अच्छा, तो कहते हैं कि ये अच्छा वल मारूफ ही सूरत मुनकर, वल मुनकर फी सूरत मारूफ। तो फिर ये होता है कि मारूफ जो चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं वो आपको मुनकर नजर आएंगी, और मुनकर जो चीज़ें हैं वो आपको मारूफ नजर आएंगी। करूबत मिनहु दुनिया व बऊदत मिनहु आखिरा, ऐसे लोगों को दुनिया से बड़ी मोहब्बत होती रहती है, आखिरत से नफरत होती है। आखिरत का तस्करा ना करें, मरने की बात आप ना करें, दुनिया की बातें करें तो खुश हैं। मरना, मौत, कब्र, आखिरत, बरज़ख की बात करें तो इनका मूड ख़राब हो जाता है, क्या तुम डिप्रेसिंग बातें कर रहे हो। पता नहीं अल्लाह ताला उसको बताए, लेकिन ये कि अल्लाह ताला को मतलब माफ़ तो कर ही सकता है कि किसी भी बात, लेकिन अगर बग़ैर तौबा के मर गया तो साहब मसला है। और क्या नाम है आपका अपना हबीब भाई, मसला तौबा में ये है कि इन चीज़ों को जब तक आप गुनाह नहीं समझेंगे तौबा नहीं करेंगे। कोई आपको बताए तो कि ये गुनाह है, मसला ये है बताए तो। जैसे किसी आदमी के कैंसर है, कैंसर लिए फिर रहा है, उसको मालूम ही नहीं बेचारे को। अब डॉक्टर ने कहा, आप डॉक्टर के गए, उसने कहा नहीं समथिंग सीम्स नॉट राइट, ज़रा आप टेस्ट कराइए। अब जो टेस्ट कराया तो रिजल्ट आया, तब मालूम हुआ उसको। तो हम लोग तो ये पता नहीं कब से लिए फिर रहे हैं अपने जिस्म में। तो अब हम तौबा करें किस बात से, हमको तो मालूम ही नहीं। तो आदमी कैंसर का इलाज क्या करे, पहले मालूम तो हो उसको कि कैंसर है, तो इलाज कीमोथेरेपी शुरू होगी उसकी या जो भी है। ऐसे ही हम लोग अगर तौबा करेंगे भी तो तौबा इस बात से करेंगे, अल्लाह मियाँ हम तो हम मर रहे हैं, हमने जो नमाज़ें नहीं पढ़ी अल्लाह माफ़ कर दे। भाई नमाज़ों का सिर्फ मसला नहीं है, असल जो है ये जो खबीस सिफात हैं ये लिए तुम दुनिया से जा रहे हो। तो इसलिए इसीलिए आपको मालूम तो हो कि क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए आपको मजाले से इल्म ज़रूरत है, ज़रूरी है। दुनिया में मजाले से इल्म ख़त्म हो रही है, इल्म की मजलिसें ख़त्म हो रही हैं, नाच गाने की का बाजार गर्म है, लेकिन इल्म की मजलिसें बिल्कुल सुनी हो रही हैं। अब और जब तक इल्म की मजलिसों में आप नहीं बैठेंगे, आप अपने आप को स्कैन ही नहीं कर सकते। इसलिए साहब वो अच्छा जी, और एक जो बेसिक ह्यूमन वो है जैसा सर कपोर वो है ग्रीड, हम सरप्राइज ग्रीड जिक्र नहीं किए इन चारों में। ग्रीड नहीं आएगी, किब्र हसद गजब शहवत, ग्रीड इस पे किया नहीं है, चार किया मुमकिन है इसका कोई सब सिफत हो जो इसके अंदर आती हो, पता नहीं सर।
खैर अब दूसरी बात इब्न कय्यिम ने फरमाया वा इज़ा तअम्मलता कुफ्रल उमम रअयतहु न्याशी अमिनहा। सुनिए आप, कहना अगर तुम हिस्ट्री में देखो उन उम्मतों को जो कि बर्बाद की गई हैं, अल्लाह ताला ने उनको बर्बाद किया है, तुमको मालूम होगा कि इन उम्मतों में यही प्रॉब्लम थी, यही प्रॉब्लम थी, इसी वजह से उनको जो है बर्बाद किया गया था। वअलैहा यकौल अज़ाब, और इसीलिए उन पर अज़ाब वाक़े हुआ था। तकूनु खिफ़तहु व शिद्दतहु बिहज़ बि खिफ़तिहा व शिद्दतिहा, और देखिए कहने अज़ाब की शिद्दत या अज़ाब की खिफ़त, खिफ़त मतलब हल्का अज़ाब या भारी अज़ाब, जो भी नाजिल हुआ वो उसी प्रोपोर्शन के अतबार से हुआ है, जितना जितनी इनमें ये ख़राब सिफात थी ना उसी प्रोपोर्शन के अतबार से हुआ। जैसे अब वो है कौम लूत वाला मसला है, राइट। अब कौम लूत क्या शहवत परस्ती है, तो अब ये इतनी रजील चीज़ थी, इतनी गंदी चीज़ थी, गैर फितरी थी, कि उनकी तबाही भी अल्लाह ताला ने ऐसे अजाब के ज़रिए से की जो कभी दुनिया में पहले भी नहीं आया ऐसा अजाब, ना बाद में आया। और वह आसमान से पत्थरों की बारिश। अब तो जैसा गुनाह हुआ ना उसी शिद्दत के साथ अल्लाह ताला ने अजाब भेजा है, क्योंकि भाई कौम लूत जो है या जो होमोसेक्सुअलिटी है वो फितरत के ख़िलाफ़ है। इसमें किसी को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक मर्द मर्द के साथ अपनी जिंसी शहवत पूरी कर रहा है और एक औरत औरत के साथ जिंसी शहवत पूरी कर, ये तो जानवर भी नहीं करते। तो इस वजह से इसका जो अदाब आया वो आसमान से बारिश हुई पत्थरों की। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि जैसी जिस शिद्दत के साथ ये खबीस सिफात होती हैं उसी शिद्दत के साथ अल्लाह ताला का अजाब भी आता है। फमन फतह अला, अच्छा फमन फतह अला नफसी फतह अलै अबवाब शुरूर कुल्ह आज, और जिसने इन सिफात को अपने अंदर से निकालने की कोशिश नहीं की, जिंदगी भर इसी पर रहा, तो समझे तमाम दरवाजे फितने के और शुरूर के उसने खोले हैं जो अब हमेशा फिर खुले रहेंगे साहब। वमन अगलका अला नफसी अगलका अनहुल अबवाब शुरूर, अगर तुम कोशिश करोगे कि इन दरवाज़ों को बंद करो तो अल्लाह ताला तुम्हारी हेल्प करेगा, बंद करेगा। फ़इन्ना तमनाउल इन्क़ियाद, देखिए साहब एक बात बता मैं आपको, इससे पहले ये जो सिफात है ये बहुत मुश्किल से निकलती हैं, जैसे इन्होंने बताया, उसके लिए आपको कोई, जैसे आपका एक डॉक्टर है, क्या कहते हैं PCP, क्या कहते हैं प्राइमरी केयर फिजिशियन, आप ये कहते हैं कोई आपसे पूछे भाई आपका डॉक्टर कौन है, तो आप कहें भाई डॉक्टर मुकी सिद्दीकी साहब, मिसाल के तौर पे। अच्छा वो आपके PCP हैं, मतलब ये उनको सब मालूम है आपके बॉडी के मुतालिक, तो आपके PCP हैं, तो भाई ईमान का भी तो कोई PCP होना चाहिए, ईमान का कोई PCP। हालांकि जिस्म की जो अमराध हैं वो तो आर्जी हैं, वो तो एक टेम्प्रेरी है भाई, ज़्यादा ज़्यादा आदमी साथ क्या होगा, अगर क्योर नहीं होगा तो मर जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, इंतहा मौत है। लेकिन ये जो रूहानी बीमारियाँ हैं इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि मौत सॉल्यूशन नहीं है, इन जो रूहानी बीमारियाँ हसद जलन ये सब जो है ये तो फिर आप अपने साथ लेके जाएंगे भाई, कैंसर तो यहीं ख़त्म हो गया, हार्ट अटैक हुआ ख़त्म, जो भी कोरोना वायरस हुआ ख़त्म, आदमी मर गया ख़त्म, अब कैंसर अपने साथ थोड़ी चले जाएगा, कैंसर तो जिस्म में है रूह में नहीं है। ये जो खबीस सिफात है ये रूह में है, आप ऐसा सोचते हैं, आपको हसद है, आपको जलन है, आपको तकब्बुर है कि मैं कुछ हूँ, तो ये तो रूहानी अमराध है, ये तो आप अपने साथ लेके जाएंगे अगर अगर इस दुनिया में आपने सफाई नहीं की इसकी, तो भाई आपको कोई PCP तो होना चाहिए, यानी कोई आप किसी से कोई आलिम से अल्लाह वाले से किसी से कोई ताल्लुक़ तो हो जो आपको आईना आईना दिखाए कि भाई आप में ये प्रॉब्लम है। एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे तो अल्लाह के वली में से थे, उनके बड़े मुरीदीन थे, बहुत मुरीदीन थे, उनके बहुत शागिर्द थे,
तो उनका इंतकाल हो गया। जब उनका इंतकाल हो गया तो उनके जो सबसे बड़े खलीफा थे, सबसे बड़े जो शागिर्द थे, तो वो एक गांव में लोगों की इस्लाह करते थे, उनकी खानकाह थी। तो ये जो पीर साहब का इंतकाल हो गया था, इनके जो साहबजादे थे, ये उनसे एक दिन मिलने गए। अब चूंकि ये जब मिलने गए तो वो शागिर्द थे इनके वालिद साहब के, तो इन शागिर्द ने कहा, रे भाई ये तो हमारे पीर साहब के साहबजादे आए हैं, हमारे शेख के साहबजादे आए। तो उन्होंने इस वजह से उनकी बड़ी तौकीर की, बड़ी इज्जत की, बहुत हाव भगत, खाना पीना सब कुछ, उनको उनका बिस्तर ठीक करना सब कुछ किया गया। चले आए। जब ये अपने घर आ गए वापस, तो साहबजादे को एक दिन ये हुआ कि यार हमारे अब्बा ने सबको नवाजा, सबने इस्तिफादा किया, हमने नहीं किया, चिराग तले अंधेरा। तो ऐसा करो कि अब अब्बा तो चले गए, हम अब्बा से इस्तिफादा नहीं कर पाए, लेकिन चले अब्बा के जो फना शागिर्द जिनसे हम मिलने गए थे, अब हम सोचते हैं उनके पास हम जाएं और हम उनसे सीखें जो उन्होंने अब्बा से सीखा है। खैर ये भी बड़ी बात है सब। अब ये घर वालों से मिल मिला के गए, अब हम जा रहे हैं, अब हम कई साल बाद आएंगे, सीख सिखा गए थे। अब ये गए अपना बिस्तर बिस्तर लेके अपने अब्बा के शागिर्द की खानकाह में। तो फिर उन्होंने बड़ी इज्जत, कहा भाई आप तशरीफ़ लाएँ, आप हमारे शेख के साहबजादे, क्या खिदमत की जाए बताएं। उन्हें बताया पिछली मरतबा जो हम आए थे आपके मेहमान थे, आज जो हम आए हैं तालिबे इल्म बन के आए हैं, हम में ये जो सिफात है ना, ये जो ख़राब सिफात हैं, हमको तस्किया नफ्स करना है, किताबों वाला इल्म नहीं है, तस्किया नफ्स करना है, अंदर की सफाई करनी। तो जो साहब थे उनके वालिद के शागिर्द, उन्होंने कहा ठीक है आप अपना बिस्तर लीजिए, फला कमरे में रख दीजिएगा। उसके बाद ये रहा बाथरूम साफ़ करने के चीज़ें, और वो रहा रही बाल्टी, वो रहा कुआं, आप कुएं से पानी निकालिए और बाथरूम साफ़ करिए। जब वो चले गए, अच्छा वो भी मतलब बड़े बाप की बड़ी औलाद थे, वो चुपचाप उठे चले गए, तो उनके शागिर्दों ने पूछा, हज़रत ये तो आप शेख के साथ ये क्या कर रहे हैं? कहने बेटा ये जो है ना, ये जो इन्होंने सफ़र बयान की, अरे तकब्बुर, कहने ये तकब्बुर बहुत देर से निकलता है, अब इनमें जरासीम होंगे साहबजादगी के, कि मैं इतने बड़ा बड़े बाप का बेटा हूँ। उन्होंने कहा इनके साथ हमको और शिद्दत के साथ काम करना पड़ेगा, ये बहुत देर में निकलता है। अब हमें अना खैर मिनू, तो उन्होंने कहा तुम शागिर्दों के साथ तो मैंने जो सलूक किया है वो तो तुम्हारी अच्छाई के लिए किया है, ये इनके साथ भी अच्छाई के लिए कर रहा हूँ, लेकिन इनके साथ इंटेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तकब्बुर की बू बहुत देर से जाएगी। तो इसलिए साहब आपको कोई चाहिए होता है कि भाई तो अब वो पहले ज़माने में था, लोग ताल्लुक़ सबका कोई ना कोई किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक़ हुआ करता था। अब हम देखते हैं सबके पास PCPs तो हैं, लेकिन ईमानी PCP नहीं कोई, तो क्योंकि उसकी आप देखिए, मैं फिर से रिपीट करूँगा, जिस्म के अमराज जो हैं वो तो मौत के साथ ख़त्म हो जाते हैं, रूह के अमराज आप अपने साथ लेके आते हैं। अब तो ये बहुत ही खसारे की बात है कि आदमी की रूह बदबूदार जाए, वरना फिर वो राजियतम मर्दिया फतखुली फी इबादी फतखुली जन्नती नहीं होगा। इसलिए अल्लाह ने जो पाक रूहें हैं ना, अल्लाह के या तो नफ्सुल मुतमइन्ना है, ये पाक साफ अल्लाह से खुश राजी हो के गई है, तो अल्लाह ने कहा भाई ये हमसे राजी, हम इससे राजी। जो बदबूदार जाएगी तकब्बुर के साथ इंसान, भाई उससे अल्लाह थोड़ी क्या राजी होगा। तो इसलिए साहब रूहानी अमराज, अखलाकी अमराज जो हैं, ये कहीं ज़्यादा संगीन हैं जिस्मानी अमराज से। और एक बात आप और बताएं, मैंने कल भी आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि आप चाहे बेहतरीन PCP रख लें, बेहतरीन दवाएं ले लें, बेहतरीन आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो, ये सब चीज़ें मौत का इलाज नहीं है।
तो इसको फानी बदायूनी ने शायद कहा था, किसे कहने लगा मौत का इलाज हो शायद, कह रहे मौत का इलाज हो शायद, जिंदगी का इलाज नहीं। अच्छा चले सर, जिंदगी का इलाज नहीं। तो ये है कि ये जो जो कुछ भी है दवाएं वगैरह ये सब ठीक है बहती हैं, लेकिन मौत का फिर भी आएगी आपको, आप आपके वॉलेट में बेहतरीन क्या नाम है हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड होगा, वो रखा हुआ आपके वॉलेट में, लेकिन उस आप मर गए। तो भाई अगर मतलब इलाज कराते हुए मर गए आप, लेकिन रूहानी जो है ना वो तो आप साथ लेके गए। सबसे बड़ा खसारा तो ये है, आज पूरी दुनिया जो है वो जिस्म के पीछे, जिस्म सेहतमंद हो चाहे रूह मरीज हो, रूह मरीज हो कोई मसला ही नहीं, बस जिस्म होना चाहिए सेहतमंद। तो ये हिसाब गलत है। ठीक है सेहतमंद सेहत अल्लाह के नबी पाक फरमाया अल्लाह की नेमत है सेहत बहुत बड़ी, लेकिन असल जो चीज़ है साहब वो तो रूह है ना। तो इसलिए साहब इसके लिए तो इसमें क्या फ़ायदा। अच्छा अब आइए एक अब एक जुमला है साहब, अल्लाह ताला हमको आपको समझ दे समझने की, वो बड़ी बहुत बलीग है साहब। शेख साहब ये देखिए वो कहते हैं ये चारों अमराज क्यों होते हैं, सुभान अल्लाह सुनिए क्या प्यारी बात कही है। कहते हैं वमन शाउ हादिहिल अरबा, कहते ये चारों खबीस सिफात क्यों पैदा होती हैं, परवेज भाई बताइए क्यों होती हैं। इब्न कईम फरमाते हम बताते हैं क्यों पैदा होती, कहते हैं मिन जहलिही बिरब्बिही व जहलिही बिनफ्सी। उस वजह से होते हैं कि तुमने अपने रब को नहीं पहचाना और तुमने अपने आप को नहीं पहचाना, सुभानअल्लाह बड़ी बात है सब। तुमने अपने रब को नहीं पहचाना इसलिए तकब्बुर कर रहे हो, तुमने रब को नहीं पहचाना इसलिए हसद कर रहे हो कि आपने उसको क्यों दे दिया। अरे तुमने अल्लाह के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर सवाल कर लिया, तो तुमने अपने रब को नहीं पहचाना है इसलिए तुम अल्लाह पर उंगली उठा रहे हो कि ये क्यों हुआ। अरे और फिर वजहली ही बिनफ्सी, तुमने अपने आप को नहीं पहचाना कि भाई तुम्हारी औकात ही क्या है, भाई तुम्हारी औकात ही कुछ ये नहीं है कि तुम अल्लाह के ऊपर अल्लाह से इससे सवाल करो। तो अगर आप देखें तो आप ये कहेंगे भाई हम बड़े भाई तकब्बुर किस बात का, हम करें आप करें, हमें हमारे पास है ही क्या भाई, हमारे पास है ही जो कुछ है वो मुस्तार है, वो अल्लाह का दिया हुआ है। तो तकब्बुर तो हमको आपको फिट ही नहीं होता, तकब्बुर जो है वो फिट नहीं होता साहब, किस बात में तकब्बुर करें आप देखें। अब देखिए ना टाइगर वुड्स की जो अभी यहाँ पर कल परसों हम ड्राइव करते हुए चले गए इधर बेहिल्स, तो ऐसे ही हमने कहा था टहलते हैं, तो वहाँ पर हमको रोक लिया एक खातून खड़ी थी, हमने क्यों क्या बात हुई, कहने वो देयर इज गोल्फ टूर्नामेंट गोइंग ऑन, गोल्फ टाइगर वुड्स यहाँ आते हैं हर साल, अब बेहिल्स में आते हैं, इस साल नहीं आ पाए क्योंकि इस बार बेचारा हॉस्पिटल में है। तो तकब्बुर आदमी किस बात पे करे, जरा सा एक्सीडेंट हुआ, इतना बड़ा गोल्फर बिलियन डॉलर्स वर्थ है उसकी या उससे भी ज्यादा, उसने भी एक जजीरा खरीदा था 300 मिलियन डॉलर का, पूरा जजीरा खरीदा 300 या 400 मिलियन डॉलर। ऐसे पैसे वाले लोग ऐसी शोहरत याफ्ता लोग एक हुआ बिस्तर पे पड़े, तो फिर तकब्बुर किस बात का भाई, तकब्बुर नऊज़ बिल्लाह, आपको अपनी जिंदगी पर कुदरत हो तो आप कहें तकब्बुर है, हमको आपको तकब्बुर किस बात का, ना अपनी मर्जी से आए ना अपनी मर्जी से जाएंगे, लाई हयात आई कदा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। तो हमको साहब तकब्बुर हम किस बात पे करें, वो बेवकूफ़ी है। तो इसलिए कि तुमने अपने रब को नहीं पहचाना और फिर तुमने अपने आप को नहीं पहचाना, कह रहे ये मंशा है यहाँ इस जिहालत की वजह से फिर ये चारों खबीस सिफात पैदा होती हैं, इसलिए अब रब को पहचानना जरूरी है। जैसे मैं आपको अमीर मीनाई का पुराना शेर सुनाया था कि जहां में आकर इधर उधर देखा, जहां में आकर इधर उधर देखा, तू ही नजर आया मुझे,
मैंने जहां देखा, तू ही नजर आया, मैंने जहां देखा, और जहां में आकर जब तुझी को नहीं देखा, जहां में आकर जब तुझी को नहीं देखा, बराबर है दुनिया को देखा न देखा। तो अगर जो मकसद हयात है अल्लाह को देखना, यानी अल्लाह की का इल्म, वही नहीं लिया हमने, बाकी पता नहीं क्या क्या कुछ लिया, तो हमारा जो तख्लीक का मकसद था वही हमने फेल कर दिया। और उस जिहालत की वजह से वो कहने मनशा हादिर अरबा, ये चारों खबीस सिफात जो पैदा हुए तुम्हारी जिहालत की वजह से हुए, तुमने अल्लाह का इल्म लिया ही नहीं, कुरान हदीस का इल्म लिया नहीं। और अगर तुम कुरान हदीस का इल्म लेते तो तुमको मालूम होता कि तुम क्या हो, मतलब आपकी हकीकत क्या है, इसको जानने के लिए साहब आपको कुरान हदीस पढ़ना पड़ेगा। मैं अक्सर कहता हूँ कि पढ़ाते वक्त आदमी खुद सीखता है, समझे। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आप लोग भी दुआ करें अल्लाह कबूल फरमाए। ये जो एक वेडनेसडे को जो ओपन हाउस करते हैं, एक छोटी सी टूटी फूटी वो है, उसमें जो गैर मुस्लिम आते हैं जो सवाल करते हैं जो इस्लाम समझते हैं, तो उससे हमको बहुत, हमारा ईमान बहुत ताज़ा होता है। अब यही बात कि इंसान की कि पैदा करने का मकसद क्या है। चंद रोज़ पहले की बात है, एक नौजवान लड़का आया था UCF से, उसने पूछा कि भाई हम अक्सर सोचते हैं कि गॉड ने हमको क्रिएट क्यों किया है। तो कहने लगा आप ये बताइए इस्लाम क्या कहता है। तो वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, उसको बताया गया, बताया कि भाई ये इबादत है। तो उसने कहा भाई इबादत हम क्यों करें, अमेरिकन जहन कह रहे हैं कि हम क्यों करें, तो उनको बताना पड़ा। लेकिन जब वो आप बताते रहे तो फिर वो उन लोगों की बात समझ में आती, तो उनकी आंखें चार होती हैं कि अच्छा ये बात तो थी, हमको तो मालूम ही नहीं थी। अरे तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हमको आपको नहीं मालूम कुरान हदीस की, ये अक्सर चीज़ें हमको आपको नहीं। अगर आपने बच्चों से पूछे अल्लाह ने हमको क्यों पैदा किया है, वो कहे आई डोंट नो। लेकिन ये है कि इस जिहालत की वजह से हमने अल्लाह को नहीं पहचाना, और इस जिहालत की वजह से हमने अपने आप को नहीं पहचाना। जैसे वह अली करमल्ला वजू की तफ़ कौल मनकूल है कि मन आरफ़ नफ्स आरफ़ रब्बा, पता नहीं कितना सही है। उन्होंने फरमाया कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। तो एक ये भी है। तो अब फरमाते फ़इन्नहु लव अरफ़ रब्बहु बिसिफ़ात अल-कमाल व नुउद अल-जलाल अरफ़ नफ़सहु बिन-नक़ाइस वल-आफ़ात लम यतकब्बर व लम यग़ज़ब लहा व लम यहसद अहदन अला मा आताहु अल्लाह। कहने अगर इंसान अपने रब को पहचाने, सुनिए साहब, अगर रब को पहचाने तो उसको समझ में आएगा कि अल्लाह ताला तो नाम है तमाम सिफात के कमाल का, हर अच्छी सिफत अल्लाह में है, राइट। और फिर अल्लाह ताला के सिफात को जितना आप जानेंगे खुद ब खुद आपको ही मालूम हो जाएगा कि आप में तमाम नकायस हैं, इंसान में नकायस हैं, अल्लाह में कमालात है, राइट। अल्लाह कामिल है, इंसान नाकिस है। लेकिन जब तक अल्लाह के कमाल को का इतराफ़ आप नहीं करेंगे, आप में अपने नकायस नहीं मालूम होंगे, आप अपने आप में तकब्बुर रहेगा। वो तो जब अल्लाह का इल्म आता है, अल्लाह के मुतालिक इल्म आता है, तब मालूम होता है अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर मालूम होता है जब अल्लाह सबसे बड़ा है तो हम तो छोटे हुए, तभी हम कहते हैं अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, हम अल्लाह के आगे च्यूटी के बराबर भी नहीं है। लेकिन उसके लिए अल्लाह की कहने अल्लाह की सिफात का मुताला करने से फिर आ गया, फिर नकायस, अपने नकायस सामने आते हैं। जब अपने नकायस आएंगे तो कहते हैं लम ये तकब्बर, फिर इंसान तकब्बुर नहीं करेगा, राइट। वलम यग़ज़ब लहा, और फिर कभी गुस्सा नहीं करेगा, बेजा गुस्सा नहीं करेगा। वलम यहसद अहदन, फिर किसी के से हसद नहीं करेगा। अलामा आताहुल्लाह, कि जो कुछ अल्लाह ताला ने उस बंदे को दिया है। फ़इन्नल हसद फ़िल हकीक़ा नौ मिन मुआदातिल्लाह, सुनिए आप, कहते हैं हसद करना जो है
असलन क्या है, वो अल्लाह ताला से दुश्मनी मोल लेना है, अल्लाह ताला से दुश्मनी मोल लेना है, हसद करना। वो कैसे? फइन्नहु यकरह निअमतल्लाहि अला अब्दिहि, सुने, क्योंकि ये आदमी जो है इस ये राजी नहीं हो रहा है इस बात से कि जो अल्लाह ताला ने किसी बंदे पर अपनी नेमत की किया है। तो अल्लाह ताला ने सोच समझ कर एक नेमत एक बंदे को दी है, आप उससे एग्री नहीं कर रहे आप कह रहे अल्लाह ये नेमत आपने उस बंदे को क्यों दी। तो अल्लाह तो जो काम करता है सोच समझ कर करता है, आप कह रहे नहीं आई डोंट एग्री विथ यू अल्लाह मियाँ। तो कहते हैं वक़त अहब अल्लाह व युहिब, अब अल्लाह ताला ने उस आदमी को ये नेमत देने जो दी है अपनी खुशी से दी है, अल्लाह ताला ने अपनी खुशी से वो नेमत उस बंदे को दी है। व युहिब ज़वाल हानु वल्लाह, और तुम चाहते हो कि उस बंदे से ये नेमत छिन जाए आपसे, वो छिन जाए। वल्लाह यकरह ज़ालिक, और अल्लाह ताला ऐसा नहीं करना चाहता है। फ़हुआ मुदादुल्लाह फ़ी क़ज़ाइही व क़दरिही व मुहब्बतिही व कराहतिही, इसका मतलब ये हुआ कि तुम अल्लाह के दुश्मन हो, इन द सेंस कि जो अल्लाह ने क़ज़ा व क़द्र में लिखा है कि इसको इस बंदे को हम इतना देंगे इस बंदे को इतना देंगे, आप उससे राज़ी नहीं हैं, कहना अल्लाह नो आई डोंट एग्री विथ यू, यू आर रॉन्ग, आप अल्लाह से कहें अल्लाह यू आर रॉन्ग, तो मतलब ये तुम अल्लाह को रॉन्ग कहने वाला तो अल्लाह का दुश्मन हुआ। तो हसद में ये होता है साहब कि आप अल्लाह से बताते हैं अल्लाह ताला यू आर रॉन्ग, उसको ये क्यों मिला, कहने इस वलिदालिक कान इबलीस अदुवहु हकीकतन, इसीलिए जो शैतान इबलीस है वो अल्लाह का असल में दुश्मन है। लिअन्ना ज़म्बहु कान अन किबरिन व हसदिन, कहेंगे क्योंकि उसमें दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, एक तो तकब्बुर था और हसद था कि मैं अना खैरु मिनहु, मैं आदम से बेहतर हूँ, ये तो हो गया साहब तकब्बुर, और फिर ये हुआ क्या नाम है हसद ये थी कि इनको इतना इल्म क्यों दिया गया जो हमको नहीं दिया गया। वअल्लम आदम अलअस्मा कुल्लहा, है ना, अल्लाह ताला ने खास इल्म दे दिया आदम अलैहिस्सलाम को, अब इसको हसद हो गई कि अब तक तो मैं सबसे ज़्यादा साहिब इल्म था फरिश्तों में और जिन्नातों में, ये कौन हज़रत आदम आ गए, तो ये सब हसद आ गया। बस अब वो कहते हैं फ़क़लउ हाज़िहि सिफ़तैन बिमारिफ़तिल्लाह व तौहीदी, कहेंगे इसलिए अपनी इस्लाह की फ़िक्र करो अल्लाह ताला की मारिफत हासिल करके, जितना अल्लाह ताला का इल्म हासिल करेंगे जितनी तौहीद दिल में रासिख होगी साहब उतना इंशाअल्लाह आपको इन सिफात से को निकालने में आसानी होगी। व रिदा बिही अन्हु वल इनाबत इलैह, अल्लाह से ताल्लुक कायम करें इंशाअल्लाह धीरे धीरे ये सिफात ज़ायल होंगी। एक चीज़ आप और साहब सुन लीजिए, शहवत मुतालिक एक अलग चीज़ ये कह रहे हैं कि अम्मा शहवत, जहाँ तक शहवत परस्ती का ताल्लुक है, फ़दाउहा सिहतुल इल्म वल मारिफा, शहवत परस्ती जो है ये आसानी से जाएगी नहीं साहब, इसके लिए आपको सही इल्म हासिल करना है। सिहतुल इल्म, सिहतुल इल्म क्या है कि अल्लाह रसूल की बातों को खूब संजीदगी के साथ सीखिए, तब शहवत परस्ती ख़त्म होगी साहब, और मारिफत हासिल करिए अल्लाह की, क्योंकि शहवत सबसे आखिर में आती साहब, शहवत का आदमी जो है ना वो मैंने आपको शेर सुनाया था खुमार बारबंकी का कि निकले जो मैं गुजरे जो मैं कदे की तरफ तौबा के बाद हम, गुजरे जो मैं कदे की तरफ तौबा के बाद हम, कुछ देर तो आदतन भी कदम डगमगाए हैं, कुछ दूर तो आदतन भी, हालांकि मैं तौबा कर ली अब हम नहीं पीते, लेकिन उधर से जो गुजरे तो याद आ गया हम ऐसे झूम के निकलते थे, तो आदत हो गई फिर हम झूमने लगे।
तो कहने लगे तो ये शहवत परस्ती आसानी से नहीं आती साहब, ये जिन लोगों ने फिल्में छोड़ी हैं, जिनके रसिया थे हम लोग, तो वो जब थोड़ा सा सुनको ना जिसका इल्म का आइन की नोक आई है सिर्फ, तब कुछ समझ में आया कि नहीं भैया ये सब तो तजी औकात है भाई, ये तो तहसील हासिल बिल्कुल वल मफ़ना आता शबा। लस्ट है जी, लस्ट जी 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 अभी तो कुछ आया ही नहीं सर। सबक हाथ करके अपनी इस्लाह कर, इसीलिए नासिब उसके अल्लाह ने कहा फरमा पुजवा तकवा कद अफलाह मन जक्का, इसी अल्लाह ने फरमाया कि कद अफलाह वक़द ख़ाब मन दस्सा। तो ये अकल जो दी है ना अल्लाह ने, इसलिए कहा भाई इसको इस्तेमाल करो और जो जो चीज़ तुम हार्मफुल देख रहे हो ना उसको उसको निकालो। तो जी 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 अल्लाह ताला को, लेकिन इंशाल्लाह अगर आदमी अच्छा इसमें एक बात और बताएं आपको अपना नास अपना हबीब भाई, इसमें अल्लाह ताला तो सब गुनाह माफ़ करने को तैयार है ना, इन्ना अल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीअ, तो अल्लाह तो कह रहा हम तो इतने हम सब माफ़ कर देंगे, लेकिन तुम में फिर वही माफ़ हम कर देंगे, फिर तुम वही कर ले तो वही खबीस चीज़ें शुरू कर दो, जिसको अल्लाह ने माफ़ कर दिया है वो कल से फिर तकब्बुर कर रहा है, कल से फिर ये कर रहा है। तो मसला ये कि हम लोग तो सर्कल्स में जाते हैं, अल्लाह वो है कि फिर माफ़ कर रहा है, फिर माफ़ कर रहा है, लेकिन हम लोग आप देखिए ना तकब्बुर ही, आप देखिए हसद देखिए अपनी कम्युनिटी में कितना है हम लोगों में, तो अल्लाह तो माफ़ कर रहा है लेकिन हम लोग जो है फिर वही करते हैं। शायद यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है आमाल गुनाह के और एक है सिफात गुनाह के, ये सिफात हैं गुनाह के, ये आपके अंदर बिल्ट इन हो गए हैं। आमाल तो आप कभी अच्छे करेंगे कभी ख़राब करेंगे, तो इसीलिए कह रहे हैं आमाल जो है सानवी हैं, आमाल मकसूद नहीं है, आमाल जो है सानवी हैसियत है, असल क्या है ये सिफात ना हो। फर्ज करिए एक आदमी है जो तहज्जुद नहीं पढ़ रहा है, सो रहा है, लेकिन दिल का साफ है, उसमें तकब्बुर नहीं है, हसद नहीं है, करता ही नहीं वो, तो वो उससे कहीं बेहतर है कि जो आदमी तहज्जुद पढ़ रहा है घंटों लेकिन उसमें ये ख़राब सफात है। तो आमाल वो कर रहा है जान नहीं है, और दूसरा आदमी सो रहा है लेकिन पाक सो रहा है, तो इसलिए सिफात जो हैं उनसे आमाल तो आगे पीछे होते रहेंगे, और अल्लाह ताला जो माफ़ करेगा वो आमाल की कमी बेशी पे करेगा, सिफात पर नहीं करेगा। सिफात पर तो आपको ख़ुद काम करना है ना, आपने नमाज नहीं पढ़ी अल्लाह ने माफ़ कर दिया, चलो ठीक है झूठ बोला, लेकिन ये जो गंदगी लिए फिर रहे हैं अल्लाह, ये तो तुम खुद साफ़ करोगे, कहीं अल्लाह ने यानी ये नहीं कहा कि हम तुम्हारी सफाई करेंगे, वो तो जब तुम चाहोगे तो अल्लाह ताला हेल्प कर देगा तुम्हारी, लेकिन पहले तुम कैंसर को कैंसर तो समझो। अब अगर आप में हसद है और उसको ले लिया आप फिर रहे हैं, किब्र है जो भी है शहवत परस्ती है, तो ये तो सिफात हो गई,
तो पहले सिफात, और कहीं अल्लाह ने सिफात पर माफ़ी नहीं कही है, हर जगह यह है कि जो तुमने गुनाह किए, जो गुनाह होते हैं आमाल से, तुमने कि हमसे माफ़ कर देंगे, लेकिन सफाई तो करो। देखिए रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती, फिर है वयुज़क्कीहिम, ये तज़किया नफ्स है, फिर है वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, कि भाई पहले आप सब कुछ करिए, अच्छे आमाल करिए, लेकिन पहले सफाई तो करिए। और सिफात के लिए आपको अपने पर ख़ुद काम करना पड़ेगा, पहले एतराफ़ कि अल्लाह हम में ये प्रॉब्लम है, फिर उसके लिए आप जो भी इलाज कर सकते हैं करें, फिर अल्लाह में कहा हम हेल्प करेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा ना कि कोई अमल कबूल नहीं होगा अगर ये सिफात है। हम जो तौबा करते हैं ना वो आमाल से करते हैं, अल्लाह हमने एक गलत अमल कर लिया, नहीं हम सिफात से नहीं करते हैं। कि हम ये कहते हैं हम में तकब्बुरी नहीं है, नहीं हाफिज साहब हम हसद तो अल्हम्दुलिल्लाह करते ही नहीं। अच्छा मैंने अमेरिका में देखा लोग अपनी तारीफ खुद करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज साहब हम में तो ये नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अब दूसरे को कहने का मौका ही नहीं देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिल तो बिल्कुल साफ है, अच्छा जी अच्छी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम कीना बुख्त हम सब करते ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बच्चे भी नहीं करते, कोई नहीं करता, हमारी बेगम भी फरिश्ता है। तो ये जो है तो इसको खूब समझ आप समझ लीजिए इस नुक्ते को, कि जो आपने अभी और बात की थी इन्नल हसनात युदिन सयाद, वो हसनात आमाल हैं, वो आमाल हैं, वो सिफात नहीं है। तो आमाल को अल्लाह ताला कह रहा है जितने अच्छे अमल करोगे हम तुम्हारी गुनाह माफ़ करते रहेंगे, लेकिन वो वही अमल हैं जो कबूल हों तभी हसनात हुए, वरना हसनात नहीं है। और कबूलियत के इनमा तकबल्ला मिनल मुत्तकीन, कि हम सिर्फ मुत्तकी लोगों से कबूल करते हैं, और मुत्तकी तभी होंगे आप जब इन ये सिफात ना हो आप में, या बहुत ही कम हो, नहीं के बराबर हो। तकब्बुर साहब यकीन जानिए आप तकब्बुर सबसे आखिर में जाएगा, सबसे ये कमबख्त चीज़ सबसे आखिर में जाती है, ये आसानी से नहीं आएगी। सब हम में आप में सब में तकब्बुर जी, पहाड़ को आसान था, पहाड़ आसाना था। आपके मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात करके देखे, फिर देखें आप कैसे आपे से बाहर होते हैं। वो ऐसा तकब्बुर है कि ये खबीसा इसकी मजाल कैसे क्या हमसे कर दी। तो वो जो है वो अस्सलामु अलैकुम, आइए आइए। जी ये नहीं, इन्होंने एक इजमाली तौर पे कहा कि भाई इल्म हासिल करना, इल्म और सोहबत, भाई जो सोहबत इल्म, अच्छा था क्या एक अपना नासिब, पहले इल्म बगैर सोहबत के तस्वुर में नहीं था, पहले इस्लाम में कभी ये ये दारुलूम और मदरसों का निज़ाम कभी नहीं रहा, ये समझे कभी नहीं रहा। वो एक शेख होते थे जिनसे जिनकी सोहबत उठाते हुए इल्म हासिल किया जाता था, इसीलिए पूछा जाता था आप किसके शागिर्द हैं। आज आप किसी से पूछिए बच्चों से, किसी वो कहते हमने फला दारुलूम से पढ़ा है, हम कासमी हैं, हम नदवी हैं, हम मज़ाहिरी हैं, जी 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 जी। तो उसमें पहले होता था आप किसके शागिर्द हैं, तो एक शेख होता था जिसके बाद आप अपने बच्चे को छोड़ाते थे। अब 5-6-7 साल के बाद अब वो बच्चा आता था तो अपने शेख का रंग होता था उसमें, तो तरबियत होती थी ना। आज सिर्फ नकूश हैं, किताबों पे जो नकूश हैं वो पढ़ाए जाते हैं, यकीन है सोहबत है ही नहीं। ये दारुलूम का निज़ाम शुरू हुआ इसमें सोहबत कहाँ है? वो आप क्लासरूम में आए पढ़ा, अपने हॉस्टल में चले गए, अगर आप शहर के थे अपने घर चले गए, दूसरा यूनिवर्सिटी जैसा है, कॉलेज जैसा है, सोहबत नहीं है। तो पहले इल्म बगैर सोहबत के नाकाबिले यकीन बात थी, अब वो सोहबत ख़त्म हो गई। अब देखिए ना इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह कितने साल रहे इब्ने तैमिया के पास, अपने शेख के पास, रंग में रंग गए बिल्कुल, बल्कि अपने शेख के भी आगे निकल गए। अब ये क्या था, इन्होंने अब इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने चंद मखसूस तलबा को अपने पास रख लिया था, मतलब ख़ास तवज्जो, इसमें इबन हादी थी, इमाम इबन कसीर इतने बड़े मुफस्सिर वो इनके शागिर्द, इबन कय्यिम इतना बड़ा आदमी उनका शागिर्द, इबन हादी
पता नहीं कितने हैं, तो वो सब उनके शागिर्द थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह खास शागिर्द, इमाम अबू यूसुफ, इमाम अहमद, इमाम जो वो था, तो सोहबत के बगैर नहीं था साहब। आजकल तो सोहबत ख़त्म होगी साहब, तो इस वजह से इसका इलाज जो बताया है इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने, वो सिहतुल इल्म, अब इल्म के साथ सोहबत बिल्ट इन है। जैसे कुरान हदीस में लफ्ज़ कारी जो आता है ना, कारी, वो आलिम के माने में आता है, जिसको हम लोग आज आलिम कहते हैं, पहले उसको कहते हैं कारी, राइट, कि ये पढ़ने वाला, ये आदमी पढ़ लिख सकता है, और आमी उसको उसको कहते हैं जो जो, जो पढ़ लिख नहीं सकता, तो उसका मुकाबिल लफ्ज़ था कारी। इसीलिए जब उन्होंने कहा कि इक़रा बिस्मि रब्बिका अल्लज़ी खलक़, तो रसूलुल्लाह फरमाया मा अना बिकारी, मा अना बिकारी, मैं पढ़ लिख नहीं सकता भाई, तुम क्या कहते हो, हमको कोई पर्चा दिखाओगे, तुम कह रहे हो पढ़ो, हम क्या पढ़ें भाई, हम तो हमको हम पढ़ना लिखना नहीं आता। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हक किया उनको, फिर हक किया, फिर उसने हर वक्त मा अना बिकारी, मैं नहीं पढ़ सकता भाई, तो वो उस माने में था। लेकिन यार अभी सेहत इल्म जो है वही साहब इसका है। किसी के साथ आप वो कहना, आपको याद होगा बहुत पहले आपको मजरू सुल्तानपुरी का बड़ा उमदा शेर सुनाया था इसी मौजू पे, कि मुझे सहल हो गई मंजिलें, वो हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह में जल गए। किसी का हाथ हाथ में आता है फिर जलता है, तो खाली हाथ से नहीं मिलते चिराग नहीं जलते साहब, किसी का हाथ हाथ में आए फिर चिराग जलते हैं सब। अपना ही हाथ हाथ मिले हुए। ये बहुत अच्छा है आपने। अपना ही हाथ हाथ मिले हुए। खैर चले, अल्लाह ताला समझ जाए। ये सब छोटा सा रह गया है हया के ऊपर, आखिरी फसल है, उसके बाद फिर किताब सब्र शुरू होगा। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह, नहीं, शेखुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह हया के मुतालिक फरमाते हैं, अद्रजु सारी हया यतवल्लद मिन शुहूदिल हज़रा। कहते हैं देखो, हया जो सही की हया है ना, वो पैदा होती है मिन शुहूदिल हज़रा, जब ये शऊर आप में आ जाए कि आप अल्लाह को देख रहे हैं। फिर कहते हैं वही अल्लती ला तशुबुहा हैबा वला तुकारिनुहा तफरुका, जब आपका ताल्लुक इतना कवी हो जाए अल्लाह ताला से कि ऐसा लगे कि जैसे आप देख रहे हैं, तो कहते हैं कि अल्लाह की जो हैबत है ना, अल्लाह की जो किबरियाई है, उससे आप भागेंगे नहीं, बल्कि जितनी अल्लाह की हैबत आपके ऊपर नाजिल होगी ना, वो इतनी स्वीट होगी कि आपको अल्लाह के करीब ले जाएगी। और वला तुकारिनुहा तफरुका, और जब अल्लाह से उनसियत होती है ना, तो फिर अल्लाह के मुतालिक कोई शक बाकी नहीं रहता है, और कोई तफरुका नहीं होगा, मतलब कोई सेकंड थॉट नहीं आता उसमें। ये सब बच्चों वाली बातें होती हैं जो शुरू में होती है ना, कि अल्लाह ताला कैसा, अल्लाह ताला है नहीं है, ये सब किंडरगार्टन वाली बात। अब आप आगे ऊपर अब कह रहे हैं वला अब आपको ये तफरुका नहीं होगा, अब तो आपको ग्रेजुएट कर गए, अब आप तो आपका खास अल्लाह से एक ताल्लुक है। वला यूकिफ़ुहु अला गाया, और कह रहे इसमें सबसे लतीफ़ चीज़ अल्लाह ताला की मारिफत में, अल्लाह ताला के क़ुर्ब में सबसे बड़ी चीज़ क्या है परवेज़ भाई, इसकी कोई गायत नहीं है, इसकी कोई इंतहा नहीं है, अल्लाह ताला से मोहब्बत की कोई इंतहा नहीं है, जिंदगी भर मोहब्बत करते रहें, इस समंदर का कोई बॉटम ही नहीं है, है ही नहीं। जैसे अल्लामा इक़बाल का शेर के, तेरी मोहब्बत तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ, कि ये तो इसकी तो कोई सादगी है, मैं इसके तो कोई इंतहा ही नहीं। इसको ये कह रहे हैं, अब यहाँ इब्न क़य्यिम फरमाते हैं, देखो कहते हैं ये जो शेख़ुल इस्लाम ने उसने फरमाया शुहूदुल हज़रा इंजज़ाबुर रूही वल क़ल्ब मिनल कायनात व उकूफ़ी अला रब्बिल बरियात, कहने लगे तुम्हारे दिल और तुम्हारी रूह दोनों का जो कनेक्शन है
वो ऐसा इर्तिबात हो जाए, ऐसा कवी हो जाए कि अब उकूफ़ अला रब्बिल बरिया, अब अल्लाह ताला जो रब्बिल बरियात है, पूरे कायनात का रब है, अब आपको चैन मिले तो अल्लाह की ज़ात से मिले, अल्लाह के नाम में मिले, गैरुल्लाह के नाम से आप सुत को तनफ़ुर होने लगे। अब जब भी कोई गैरुल्लाह की बात करें, कोई आपके सामने करे, तो आपको अच्छा ना लगे। आपको अच्छा तब लगे जब कोई रब्बुल आलमीन की बात करे। अब इसके मतलब ये हुआ कि आपका उन्स अल्लाह से ऐसा कवि हो गया है कि अब आपको चैन आता है तो उसी के नाम है। वो क्या है साहब, अहमद फराद का, हमको अच्छा नहीं लगता शेख साहब, हमको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, ठीक है, हमको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, कोई तुच्छा हो तो नाम भी तुच्छा रखे। कोई तुच्छा हो तो हमको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, अरे कोई तुच्छा हो तो नाम भी तुच्छा रखे। तो हमको अल्लाह के अलावा किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता है। तो कहते हैं कि अल्लाह ताला तुमको ऐसे मकाम पे पहुँचाया कि अब तुम्हारा उस जो हो वो अल्लाह ही से हो, और गैरुल्लाह के नाम से आपको तनफ़ुर हो के यार क्या। तो कहते हैं फहुआ फी हज़रती क़ुर्ब ही मुशाहिदन लहा, कहें फिर ये होगा कि तुमको अल्लाह ताला का ऐसा क़ुर्ब होगा कि तुमको ऐसा लगेगा कि तुम गोया अल्लाह को देख रहे हो। जैसे नबी पाक ने फरमाया था जिब्रील अलैहिस्सलाम से कि जब जिब्रील जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि मल एहसान, ए अल्लाह का रसूल बताइए एहसान क्या है, तो अंतअबुदल्लाह कअन्नका तराह, कि तुम इबादत ऐसे करो जैसे कि अल्लाह को देख रहे हो। अब ये आला मकाम है। तो फ़इल्लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक, अच्छा अगर ये सिफात ना पैदा हो पाए, कमज़ोरी है, तो कम इतना ये करो कि अल्लाह ताला तुमको देख रहा है, इसको हमेशा याद रखना अल्लाह तुमको देख रहा है। लेकिन ये इब्ने क़य्यिम फरमाया कि भाई मुझे पहली चीज़ जो नबी पाक ने बताई है ना, अगर वो तुमको हासिल हो जाए तो हयात तो खुद ब खुद, हयात तो फिर जितना अल्लाह ताला से क़ुर्ब होगा था उतनी ही हया आएगी, और जितना अल्लाह ताला से बोध होगा उतनी बेहयाई आएगी। बेहयाई नाम है अल्लाह ताला से दूरी का, हया नाम है अल्लाह ताला से क़ुर्ब का। बेहया लोगों को अल्लाह ताला महबूब रखता ही नहीं। तो अगर किसी में बेहयाई है तो इसका मतलब यह है कि ये अल्लाह से दूर है। और एक चीज़ हम आपको जल्दी से फिर आपको याद दिलाएं, हया वो सिफत है जो समझाई नहीं जा सकती, हया वो सिफत जो समझाई किसी को नहीं जा सकती, ये खुद ब खुद पैदा होती है। जैसे आप किसी आदमी को जो कभी उसने सोया ना हो फर्ज कर लें, उसको ये बताएं कि सोना क्या चीज़ होती है, स्लीप, कि वो समझ में नहीं आएगा। ये जो हम लोग सोते हैं ना, ये इतनी वियर्ड चीज़ है कि आप किसी को समझा नहीं सकते अगर आप खुद सोए नहीं है। वरना ये क्या बात है कि एक अच्छा भला बंदा वो अचानक मुर्दा हो गया, मुर्दे की तरह पड़ा हुआ है 6-7 घंटे। अब किसी को समझाओ कि भाई नींद ये होती है, उसके समझ में नहीं आएगा। वो जब खुद सोएगा ना तब उसको मालूम होगा कि अच्छा सोना ये होता है कि आप लेटे खुद ब खुद आप सो गए। इसीलिए सोना जो है, स्लीप जो है, ये इतनी बड़ी अल्लाह की नेमत है कि आदमी पागल हो जाए अगर सोए ना। और सोना ऐसी चीज़ है कि आप खुद से चाहें सोना आप नहीं सो सकते, खुद ब खुद नींद आती है। इसको अल्लाह ने कितनी प्यारी तौर पर क़ुरान फरमाया, अल्लाह ये तवफ़ल अनफुस हीन मौतिहा वल्लती लम तमूत फी मनामिहा। इस मतलब ये कि आदमी जब सोता है तो समझ लो वो मुर्दा है। तो इसलिए ये है कि इसलिए दुआ भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर, तमाम तारीफ़ अल्लाह की जिसने पहले हमको सुलाया फिर हमको जगाया, राइट। और सुभान अल्लाह, देखिए आप जगे एक स्प्लिट सेकंड में, तमाम फैकल्टी जो 8 घंटे 7 घंटे जितना भी आप सोएं सब मुअत्तल पड़ी थी, सब मुअत्तल पड़ी थी, लेकिन मुअत्तल थी लेकिन चार्ज हो रही थी। सुबह आप आंखें खोली वो सब चार्ज हैं, एक सेकंड में चार्ज हैं। अब आपको मालूम हुआ वो जो सेकंड रात की थकन थी वो खुद ब खुद ज़ाहिल होगी। अब आप तैयार हैं यार, ये काम
इंसान के पास का नहीं है, ये अल्लाह ही करता है साहब। और इसके नींद को आप समझा ही नहीं सकते किसी को, आप समझे, इसीलिए हया को भी आप समझा नहीं सकते। ये एक सिफत है, ये क्वालिटी है, फीलिंग है जो ईमान के साथ आती है साहब। और बेहयाई जिस आपके पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में हर तरह से बेहयाई हो रही है। कल मैं वो अपना फेसबुक पर देख रहा था कि किसी ने पाकिस्तानी भाई ने इस्लामाबाद या उधर कोई शहर है, पता नहीं कौन सा शहर, उसमें वो रो रहा है, उसकी बेगम भाग गई, तो वो कह रही थी किसी बर्द के साथ भागी, तो वो रो रहा है और वो कह रहा है कि अल्लाह के अल्लाह को के वास्ता दे के हम कह रहे हैं कि ये ड्रामे बनाना बंद कर दो। वो कह रहा है कि पहले अच्छे ड्रामे होते थे, ये जो आजकल ड्रामे हैं बनाना बंद कर दो, ये जो स्टोरीज लाए हो तुम लोग, हमारा माशरा, हमारे बेगम भाग गई और कितने घर तबाह हो गए। वो मैं कल परसों ही देख रहा था। अब ये जो बेहयाई है ना पूरे माशरे में, ये इस बात की गमबाजी कर रहा है कि ये लोग पूरा माशरा जो है वो अल्लाह से दूर है। और जब हया आएगी तो मालूम उसका इत्तिसाल है। तो इसको एक वइदा वसल कल इलैहा गशियतुल हैब वजअ, और जब अल्लाह ताला से कल्बी ताल्लुक हो जाए तो अल्लाह की हैबत जो है वो हमारे आपके ऊपर आती है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह इतना बड़ा है। वजालत अनहु तफर्रुका, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के अलावा किसी की बात सुनना हमको नागवार गुजरती है। इज मा अल्लाह सिवा, सुभानअल्लाह, ये अदीब भी थे, शर इब्न क़य्यिम अरबी के अदीब थे। अच्छा देखिए, अदीब होने की अलामत होती सादे अल्फाजों में बड़ी बात कह देना, जो बात अवाम कहती है उन्हीं अल्फाजों को इस्तेमाल करें लेकिन उसमें मानवियत इतनी हो जाए कि मतलब आप कुछ की तह नजर ना आए। आप देखिए कितनी आसान बात इब्न क़य्यिम के अल्फाज, इज़ मा अल्लाह सिवा, अल्लाह से इसलिए ताल्लुक पैदा करो कि भाई अल्लाह के अलावा कोई है ही नहीं। अब देखिए इज मा अल्लाह सिवा, अल्लाह के सिवा और कोई है ही नहीं, आप समझ रहे हैं, वला इलाहा गैर, अल्लाह के अलावा कोई। तो इसको ये कह रहे हैं कि जब कोई अल्लाह ताला के अलावा है ही नहीं तो तुम किसी और से को क्या बड़ा क्यों समझो। कहना फला यख्तुर बिबाली फी तिलकल हाल सिवल्लाह वहदा वहदा मकामुल जमईया, कहने लगे तुमको जमीयत खातिर यानी तुमको सुकून तब मिलेगा जब ये बात खूब रासिख हो जाएगी तुम्हारे दिल में कि अल्लाह के सिवा कोई है ही नहीं। जो है वो पानी पर तैरता हुआ बुलबुला है और बुलबुले की सिफत यह है कि वो उसकी जिंदगी बहुत थोड़ी हो फिर फट जाता है। अच्छा बुलबुले में एक और सिफत होती है, अभी तो तैर रहा है, जब फटता है ना तो उसकी कोई अलामत नहीं होती है, उसकी कोई निशानी नहीं होती है। अब आप कह रहे यहाँ तो बुलबुला था, अब आपको सिर्फ पानी दिख रहा है, कहाँ गया बुलबुला? ऐसे हम आप बुलबुले, हम जब मर जाएंगे ना लोग कहेंगे कहाँ गए, चंद रोज के बाद ख़त्म, हमें कोई एहसान दानिश का शेर है ना कि ईरान में अभी भी शायद होता है कि वो फोटो लगाई जाती है ना मुर्दे की कदबे के पर, तो उस पर उसने एहसान दानिश ने शेर कहा था कि कब्र के कदबे खाली हैं, कब्र के कदबे खाली हैं इन्हें मत भूलो, कब्र के कदबे खाली हैं इन्हें मत भूलो, जाने कब किसकी तस्वीर लगा दी जाए जाने कब किसकी तस्वीर लगा दी जाए। तो हम आप जो फ़ानी हैं तो हम आपका तो चंद रोज का है। अच्छा अब आइए आखिरी जो है वो ये है अल्लाह से मोहब्बत। वो कह रहे हैं देखो इसकी कोई गायत नहीं है, इसकी कोई इंतहा नहीं है। कहते हैं फयानी अन्न कुल्ल मन वसला इला मतलूबिही ज़फ़रा बिही वसला इल गाया इल्ला साहिबा, कहने लगे जो भी आदमी दुनिया में किसी चीज़ को अपना मकसद हयात बनाता है कि हमारी लाइफ का गोल ये, तो जब उसको वो गोल मिल जाता है ना तो
तो वो ये समझता है कि हमारी हम कामयाब हो गए, ठीक है, आपको एक चीज मिल गई, आप कामयाब हो गए। तो वसल अल गायत, ये अपनी गायत पर पहुंच गया। आपका था कि अमेरिका आ जाए, आप अमेरिका आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने भाई हमारा जो जिंदगी का मकसद था अमेरिका आना, वो पूरा हो गया। यहाँ आकर आपने हम एक घर खरीद लें, घर खरीद लिया आपने, भाई हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हम रिटायर्ड है, बस सब मिल गया, समझा, बच्चे पढ़ गए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोग हो गए। आपने कहा भाई हमारी जिंदगी अब हम तैयार हैं जाने को। तो ये आपने जो भी गायत बनाई थी वो आपको हासिल हो गया, कहना। तो हर आदमी की जो गायत होती है ना, वो जब मिल जाती है तो आदमी कहता है भाई हमको मिल गई। इल्ला साहिब हादल मशहद, एक्सेप्शन सिर्फ उस आदमी का है जिसने अल्लाह ताला को से की मोहब्बत को अपनी गायत बनाई थी। उसने जिंदगी में अल्लाह ताला की मोहब्बत को अपना मकसूद बनाया था। उसमें यह है कि वो उसकी कोई इंतहा नहीं, मोहब्बत ही कोई इंतहा ही नहीं। तो तुम दुनिया से ये समझते हुए जाओ कि अभी तुमने अल्लाह ताला को 1% भी नहीं पहचाना है। और हमारी मेराज यही है, हिमाकत यह है कि हमने अल्लाह को पहचान लिया। मेराज ये है कि क्या है, क्या था वो काशी में कि तुमने अल्लाह को नहीं पहचाना, मा कदरुल्लाह हक कदरी, मा कदरुल्लाह हक कदरी, तुमने अल्लाह को पहचाना ही नहीं, अल्लाह की कदर ही नहीं की अभी। अच्छा, फ़इन्नहु ला यकीफ़ु बिहद्दि रुबिया अलल गाया, फ़इन्न दालिका मुस्तहील, कहने ये मुस्तहील है, ये इम्पॉसिबल है कि बंदे को रब्बुल आलमीन की गायत मिल जाए, समझ आ जाए कि अल्लाह ताला कितना बड़ा है। साहब अगर हमको अल्लाह समझाए कि अल्लाह ताला इतना बड़ा है, कमा हक अल्लाह का हक, हम आप तो पागल हो जाए भाई। वही देखिए आप अपना खिजर अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें इतना इल्म दिया गया ना, समझ नहीं गया मूसा, अब मूसा को बता रहे, मूसा के सूरह कहफ में है ना, तुमने कहा भाई आप हमारी सोहबत इख्तियार नहीं कर सकते, मूसा वो कलीमुल्लाह, हम आप किस खेत की मूली हैं भाई। खिजर कह रहे हैं उनका भाई आप मेरे साथ चलने की जिद कर रहे हैं, आप सब्र नहीं कर पाएंगे, जो अभी आप मुझसे हरकत सकनात देखेंगे आप सब्र नहीं कर पाएंगे। उनकी जिद थी कि नहीं यार फिर भी आप ले लें साथ में, यार क्या है, अच्छा चलें हम खामोश रहेंगे। लेकिन तीन मतलब बोले और फिर तीसरी बार उन्होंने कहा कि हादा फिराक उबैनी वबैनी, मियाँ अच्छा बड़े मियाँ अब इधर जाइए, हम इधर जा रहे हैं, मैंने आपसे आपसे कहा था। तो मूसा ने कहा भाई हम तो जा रहे हैं, लेकिन कुछ बता दो तो ये आपने किया क्यों। तो मसला ये कि वो जो इल्म है साहब, अगर अल्लाह ताला दे दे तो हम तो आप बौले हो जाएँ। तो इसको ये फरमाया कि ये मुस्तहील है, ये इम्पॉसिबल है कि आपको अल्लाह ताला की बातें समझ में आए। लेकिन बल इदा शहीद, अच्छा वल गायब निहायात कुल्ला इला अंदा। अच्छा अब ये कह रहे हैं कि कुरानी में व अन्न इला रब्बिकल मुंतहा, और तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। तो कहते हैं कि हर चीज की जो इंतहा है वो अल्लाह की तरफ है, राइट, व अन्न इला रब्बिकल अल मुंतहा। हर चीज का इल्म, हर चीज की तमाम नेमतों का जो सिरा है ना, वो अल्लाह के हाथ में है। इसलिए कह रहे हैं फन तहत इलैहिल गायात व निहायात, तो हर निहायात और गायात जो है वो अल्लाह ही के हाथ में है साहब, अब गैरुल्लाह के पास कुछ नहीं है। कह रहे इसका इल्म रासिख हो साहब, गैरुल्लाह के पास कुछ भी नहीं है, चाहे कोई आदमी हो, जैसे अब अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हजरात है, ठीक है ये लोग दवा देते हैं लेकिन इलाज नहीं इनके पास, डॉक्टरों के पास इलाज नहीं, उनके पास दवा है, इलाज जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में, जिसको शिफा कहते हैं जी, शिफा अल्लाह के हाथ में, अंत शाफी ला शिफा अल्लाह शिफा उक, राइट। तो वो तो वलई से लहू सुबहानहू गायतन वला, और अल्लाह ताला की ना कोई गायत है ना निहायत है, ला फी वजूद ही वला फी मजीद ही वजूद ही, ना अल्लाह का जो वजूद है उसकी कोई हद व इंतहा है, कि अल्लाह का
अल्लाह की बॉडी अलाउज़ बिल्लाह, अगर ये लफ्ज़ कहने से अल्लाह कितना बड़ा है, वो अल्लाह ताला का जो गोया जो वजूद है, और फिर अल्लाह ताला की इर्द गिर्द जो है, जैसे आयतुल कुर्सी में क्या वसीअ कुर्सियुस समावाती वल अर्ज़, अब साहब कुर्सी कितनी बड़ी है, अर्श कितना बड़ा है, फिर अल्लाह ताला खुद कितना बड़ा है भाई, इसकी कोई इंतहा नहीं है भाई। तो वो कहने के तो इसीलिए जो अल्लाह से मोहब्बत करेगा उस मोहब्बत की भी कोई इंतहा नहीं है। इज हुवल अव्वल लैसा क़ब्लहु शै, कहना खूब समझ लो कि अल्लाह ताला सबसे पहले, उससे पहले कुछ भी नहीं था। वल आखिर अल्लज़ी लैसा बादहु शै, और अल्लाह ताला आखिर है, सब खत्म हो जाएंगे, अल्लाह रहेगा, क्या है वो कुल्लु मन अलैहा फान। फिर वयबका, देखिए आप बाकी रहेगा, वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल, तुम्हारा रब बाकी रहेगा तब। सो वला निहाया लिहम्दिही व इताई, और कह रहे तुम अल्लाह ताला की जितनी हमद व सना बयान करो वो कभी मुकम्मल नहीं हो सकती, समझा। बल कुल्लमा इज़्ज़ाद अल-अब्द शुक्र इज़्ज़ाद, हाँ कहने जो बात याद रखने की है वो ये है कि जितना ज़्यादा बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करेगा उतना ज़्यादा अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल उस पर नाजिल करते रहे, उतना ज़्यादा कर देगा। وَكُلَّمَا ازْدَادَ لَهُ طَاعَةً زَادَهُ لِمَجْدِهِ مَثُوبَةً, और जितना ज़्यादा अल्लाह ताला की मानोगे तुम, इताअत करोगे, उतना ज़्यादा अल्लाह ताला तुमको जो है इज्जत और वक़ार देगा दुनिया में, और ऑन टॉप ऑफ द सवाब तो अलग की बात है, दुनिया में भी इज्जत और वक़ार देगा। अच्छा, وَكُلَّمَا ازْدَادَ مِنْهُ قُرْبًا لَاحَ لَهُ مِنْ جَلَالِهِ وَعِظْمَتِهِ مَا لَمْ يُشَاهِدْهُ قَبْلَ ذَلِكَ, سبحان اللہ, कहें जितना ज़्यादा तुम अल्लाह के करीब जाओगे, अब देखिए साहब ये सब अल्लाह से मोहब्बत की बातें, आप जितना अल्लाह के करीब जाएंगे, अरे कहें ला लहू मिन जलाल, कहें अल्लाह ताला तुमको वो दिखाएगा जो इससे पहले कभी तुमने देखा ही नहीं था। क्या था वो, क्या आप फिर यहीं इसी दुनिया में बैठे हुए आप जन्नत का नज़ारा करेंगे। अब तो वहा कदा अबदन ला यकीफ़ वाला, कहने ये जो मामला है अल्लाह ताला क़ुर्ब का, चूँकि इसकी कोई इंतहा नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे ज़र्फ़ के ऊपर है, तुम कितना अल्लाह से क़ुर्ब चाहते हो, अल्लाह ताला तुमको वहाँ तक पहुँचाने को इसको तैयार है, लेकिन अल्लाह की ग़ायत तक नहीं पहुँच सकते। वो क्या शेर था शेर साहब, उसमें हाँ वो गालिब का एक शेर है कि ए साकिने कूचाओ दिलदार देखना, ए साकिनाने कूचाए दिलदार देखना, शायद कि तुमको गालिब आशिफ्ता सर मिले, समझा। कह रहा है कि ये जो साकिनान कूचा दिलदार हैं, जो जहाँ हमारा महबूब रहता है ना, वहीं के रहने वाले जो हैं सब हमारे महबूब के महबूब हैं, इस कूचे में जितने लोग हैं सब हमारे महबूब के महबूब हैं। तो कहते हैं देखो यार ये गालिब आशिफ्ता सर जो है शायद वहीं कहीं पड़ा हो, हालांकि वो इस काबिल नहीं है कि वो किसी से मोहब्बत करे, शायद कहीं इधर पड़ा हो उधर देखना। तो यही हाल हमारा आपका है कि हम भी कहीं इधर उधर पड़े हैं, ढूंढाई चल रही है कि भाई तुमको तो अल्लाह की मोहब्बत के लिए पैदा किया देता, तुम पता नहीं कहाँ भटक रहे हो। तो बहाल अच्छा अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा फतबारक अल्लाह इन हादा लरिस्कुना मा लहू मिन नफाद, अल्लाह ताला फरमाए मेरा जो मामला है वो कभी ना ख़त्म होने वाला है। अल्लाह जब रिस्क देगा ना मौत के बाद, ये मौत के बाद की बात है, इन हादा लरिस्कुना ये मौत के बाद है, मा लहू मिन नफाद ये ख़त्म नहीं होगा, समझा। तो इसी को अल्लाह ताला फरमाएगा या इबादी लव अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व जिन व इंसकुम व जिन्नतुकुम, अल्लाह फरमाएगा
اے ہمارے بندو، حدیث قدسی، اے میرے بندو، اگر تم میں ایک اول آدمی، آخر آدمی، انسان، جنات سب ایک جگہ کھڑے ہو جائیں، فسألونی، اور سب لوگ ہم سے سوال کریں، مانگے، اعطیت کل انسان مسئلتا، ہم ہر انسان کو جو مانگ رہا ہے نا ہم اس کو دیں گے، ما نقص ذالک مما عندی، اور میرے پاس دینے سے کمی نہیں ہوتی، الا مگر کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، بس اس کی مثال تمہیں سمجھ لو گے جیسے ایک جو نیڈل ہوتی ہے، سوئی، سوئی کو لو اور سمندر میں ڈالو، نکالو، اس کے ٹپ کے اوپر جو ایک قطرہ ہوگا نا، بس یہ ہے جو ہم نے تم کو دیا ہے، باقی سمندر تو ابھی پڑا ہوا ہے، اور پورے انسانوں کو دینے کے بعد، سب کو دینے کے بعد، تو جو اللہ اتنا بڑا ہے صاحب، اس سے محبت کی غایت تک تو انسان پہنچ نہیں سکتا، لیکن ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے محبت کرو گے تو حیا پیدا ہوگی، جب محبت پیدا، مطلب محبت نہیں ہوگی تو حیا پیدا نہیں ہو سکتی صاحب، بس یہ صاحب حیا کیا تھا، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، کیونکہ یہ حیا کا معاملہ صاحب آج کی دنیا میں بڑا سیریس ہے، بہت سیریس ہے، اب انشاءاللہ نیکسٹ ویک زندگی رہی تو منزلۃ الصدق ہے، صدق، سچائی، اس کا انہوں نے بیان شروع کیا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب، جیسے دعا فرما لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا فی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، ربنا فاغفرنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اللہ تعالیٰ یہ جو ابھی حیا کا جو باب پڑھا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی باحیا بنا، اور ہم سب کو جو ہے بے شرمی کے اعمال سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت عطا فرما، ہمارے بیگم بچوں کو، گھر والوں کو بھی حیا عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ مسلم معاشرے میں بھی حیا عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیا اور ایمان کی جو صفات ہیں اسے تاحیات جو ہے اللہ تعالیٰ ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہم سب کا جب خاتمہ ہو تو خاتمہ ایمان میں فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.